चलिए गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक वही है हमारा, 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और उसमें हम मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्वतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पर्वतों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और हम लोगों ने वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मशोथ यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। और आज ही हम पढ़ेंगे माउंटेन्स और जो आपके वोल्केनिक इरप्शन से माउंटेन बनते हैं, यानी कि वोल्केनिक माउंटेन या फिर ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले फिर से मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं बचे हैं। आप लोग जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि अभी हमारे पास में केवल 7 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी सभी, हमारा पहला बैच जो हम लोगों ने बताया था आपको कि 50 स्टूडेंट्स का ही हम फर्स्ट बैच रखने वाले हैं, तो उसमें केवल 7 रजिस्ट्रेशन हमारे पास बचे हुए हैं। आप लोग चाहें तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे दिए हुए हैं नीचे, व्हाट्सएप कर सकते हैं हम आप हमें 8868989805 पर। और बाकी इन्हीं दोनों नंबर्स में से किसी पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे एकेडमिक जो मेल आईडी है उस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर उड़ान एकेडमी के नाम से हमारी वेबसाइट पर भी आप जा करके रजिस्टर्ड हमें कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को हमारी ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज पसंद आ रही है, और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल ये साबित हो सकती है। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स आप 2020 में देने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल टू। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी एग्जाम्स हैं आप लोगों के, उन सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जब हमारी ये सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे कि हम केवल एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के तरीके से ना पढ़ा करके आपको बहुत ज्यादा डिटेल और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप लोगों की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप पाओगे कि आपका किसी भी एग्जाम को देने की, अगर आप यूपीएससी की भी बात करो, तो यूपीएससी का भी एनसीईआरटी एनसीईआरटी से ही प्रीलिम्स का, मैं आपको बताऊंगी 100 में से, जब आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, तो 100 में से कम से कम 40 क्वेश्चंस मैं यहीं से आपके निकलवाऊंगी। प्रीलिम्स के 100 में से 40 क्वेश्चंस, प्लस आपके बाकी बेसिक्स जितना भी होगा वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप चाहें तो इनका जो हम लोग अभी क्लासेस आप लोगों की ले रहे हैं, इनकी पूरी पीडीएफ भी हमारे पास है। आप चाहे तो हमसे वो पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर अगर ऐसा ही है तो मैं खुद भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये पीडीएफ डाल दूंगी, आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, या फिर हम वीडियोज जो लेके आते हैं उनमें भी हम डिटेल में इन चीजों को रखते हैं, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के बारे में, फोल्डेड माउंटेन। और फिलहाल रात के 3 बजे हुए हैं और मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, तो अभी हम फोल्डेड माउंटेन पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्रह्मशोथ पर्वत के बारे में। और फोल्डेड माउंटेन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि इस तरीके से जब प्लेट्स आपस में मिलने की कोशिश करती हैं, तो प्लेट्स के बीच में जो भी लिक्विड होता है वो जब ऊपर आता है तो उससे एक रॉक बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। और वो क्योंकि मलबा गीला होता है, इसकी वजह से वो फोल्डेड माउंटेन बनता है। ठीक है, तो अभी ब्लॉक माउंटेन के बारे में मैं डिटेल में आपको पहले भी वैसे बता चुकी हूँ एक लेक्चर में, और हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर भी देखते हैं, अभी हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो हम उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा प्रेशराइज ना हो चीज़ें। ब्रह्मशोथ पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक माउंटेन या ब्रह्मशोथ पर्वत होते क्या है? मैंने आपको लास्ट सीरीज में भी बताया होगा, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मशोथ पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ आर ब्रोकन। जब कोई भी माउंटेन का बहुत बड़ा लार्ज एरिया ब्रोकन हो जाता है एंड डिसप्लेस्ड वर्टिकली, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। मतलब कि मैं आपको ब्लॉक माउंटेन बना के भी बताती हूँ कैसे बनेगा।
देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है इस तरीके से। मान लो ये पूरा का पूरा एक एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा एक एरिया है, एक माउंट कोई भी प्लेन एरिया आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे ये यहाँ से फॉल्ट हुआ इस तरीके से, ये टूटा, ये एरिया नीचे धस जाएगा, फिर ये एरिया यहाँ से टूटेगा तो ये भी नीचे धस जाएगा, ये भ्रंश बन जाएगा, यहाँ पे फॉल्ट बन जाएगा और ये एरिया ऊपर उठा रह जाएगा। इसी को हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं इसको, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी जगह, यहाँ यहाँ रुकिए। चलिए समझते हैं। ब्लॉक माउंटेन जो होता है उसको मैं आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। और सपोज दैट ये आपका कोई प्लेट्यू है, पठार समझ लीजिए आप इसको, है ना, ये पठार है, पठारी भूमि है। जैसे हमारे जो साउथ इंडिया है वो पठारी भूमि है, प्लेट्यू है वहाँ पे पूरा का पूरा, पूरी पठारी भूमि है वो, तो वहीं पे आपको ब्लॉक माउंटेन भी दिखते हैं। तो ये कोई पठार है, मतलब प्लेट्यू है, और पृथ्वी में नीचे से आया भूकंप, और भूकंप आने की वजह से पृथ्वी का ये हिस्सा, इतना इतना हिस्सा इधर का, ये नीचे जमीन में धस जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से जमीन में धस गया, ये बहुत नीचे तक चला गया यहाँ तक, ठीक है, ये नीचे आ गया यहाँ पे और ये धस गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हिस्सा तो ऐसा का ऐसा ही ऊपर खड़ा रह गया, ये वाला हिस्सा ऐसा ही ऊपर खड़ा रह गया, और ये हिस्सा पूरा नीचे धस गया। अब हम इसे यहाँ पे बना के देखते हैं कुछ इस तरीके से, इसको बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हमने यहाँ बनाया कुछ ऐसे, यहाँ आप देखोगे इधर से जब आप इसको देखोगे तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होकर इसको देखोगे तो आपको ये यहाँ से बहुत नीचा दिखेगा। इसका रीजन है कि इतना जो हिस्सा था इसका, ये सब नीचे धस गया, और ये हिस्सा नीचे से भी जो प्लेन बना हुआ था ये भी नीचे धस गया। यानी अब आपको ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये है, मैं ये सतह है, ये है सतह, और इससे ऊपर ये पूरा का पूरा तरीके का माउंटेन है। ठीक है, ये तो नीचे घाटी बन जाती है इस तरीके की, इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं इसे, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, क्योंकि रिफ्ट पड़ गया है इसमें, यहाँ पे क्या पड़ गया, ये रिफ्ट वैली, वैली यानी घाटी, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो ये माउंटेन बचा रह गया है ये ब्लॉक पर्वत होता है, क्योंकि ये इधर का एरिया जो है ये ब्लॉक हो गया, यहाँ ये एरिया ब्लॉक हो गया, तो ये ऊंचा खड़ा हुआ पर्वत आपको दिखेगा ये ब्लॉक पर्वत होता है, और ये नीचे धंसा हुआ एरिया इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ये तो एक तरफ से धंसा है, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से धंस जाए नीचे, दो तरफ से नीचे धंस जाए, बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया। ये उसी को देख लेते हैं हम फिर से एक बार, जो अभी हम लोगों ने ये प्लेट्यू देखा था, पठार देखा था, तो उसी पठार से हम दोबारा बना देते हैं। एक माउंटेन हमने वहां बनाया जहाँ एक साइड से था, अभी ऐसा हो सकता है कि इस माउंटेन के दोनों किनारे नीचे, इस प्लेट्यू के, सॉरी माउंटेन के नहीं, इस पठार के दोनों किनारे नीचे धंस जाए, ये भी नीचे धंस रहा है और ये भी नीचे धंस रहा है। तो ये वैसे माउंटेन नहीं बने हैं पृथ्वी की, जो भी मतलब आप कह सकते हो कि ये पहले से माउंटेन नहीं थे, ये बन जाएंगे अपने आप, ये असल में मैदानी भाग हो सकता है या पठारी भाग हो सकता है, लेकिन देखने में ये अब मैदान लग जा पर्वत लग जाएगा। इसका कारण है कि दोनों हिस्से यहाँ से नीचे धंस गए, इस तरह से भी ये नीचे धंस गए यहाँ पे, और नीचे धंस गए तो दोनों साइड वैली बन गई है, इधर भी वैली बनी, यानी नीचे धंस गया ये पूरा एरिया और ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठा रह गया। ठीक है, तो ये अब नीचे धंसने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां से हट गया और ये यहां से, ओफो, फिर से बना देते हैं। यानी वो हिस्सा नीचे धंस गया था और ये ऐसे ऊपर ऐसे कैसे खड़ा रहा, और ये नीचे दो घाटियां सी बन गई थी इस तरह से, यहाँ पे क्योंकि नीचे धंस गया था हिस्सा, तो ये आपको पर्वत खड़ा हुआ दिखेगा अब दोनों तरफ से। असल में प्लेन हो सकता था, मैदान, प्लेन मैदान भी हो सकता था या पठार भी हो सकता था, हो
उसके दोनों हिस्से नीचे धंस गए हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा था ये प्लेन हो सकता था या पठार हो सकता था। ये देखने में अब आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्वत है, लेकिन ये असल में पर्वत नहीं था, ये किसी पठार का या मैदान का नीचे धंसा हुआ हिस्सा था। तो ये दोनों साइड में रिफ्ट वैली बन गई, एक रिफ्ट वैली इधर बन गई, एक रिफ्ट वैली इधर बन गई, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन हो गया, या फिर ये रिफ्ट वैली बीच में भी आ सकती थी। इसका एक और तरीका भी हो सकता था बनने का, ये भी हो सकता था कि ये जो पठार था कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि इसके दोनों किनारे तो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, यहाँ पे ये भी खड़ा रह जाता है, यहाँ पे ये भी खड़ा रह जाता है, लेकिन इसका ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे धंस जाता है। नीचे धंसने का कोई भी नीचे धंसने का कोई भी रीजन हो सकता था, ज्वाला सॉरी भूकंप भी हो सकते थे या कोई भी इस तरीके का हो सकता था। है ना, यानी कि यहाँ से पृथ्वी का जो ये पठार का या फिर मैदान भी हो सकता था, इसका ये हिस्सा भी ऐसे ही रह गया यहाँ पे, और इसका ये हिस्सा भी यहाँ पे ऐसे ही रह गया, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा धंस गया, ये नीचे आ गया, और ये कुछ इस तरीके से और नीचे आ गया यहाँ पे। ये ऐसे तो अभी रिफ्ट वैली यहाँ पे बन गई है। यहाँ से आपको ये पर्वत सा दिखेगा, ये इस तरीके के माउंटेन्स को अर्ध ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जो एक साइड से जिनके बीच में रिफ्ट वैली होती है, ठीक है, जिसके दोनों साइड रिफ्ट वैली होती है वो पूर्ण ब्लॉक पर्वत होता है, जिसके बीच में दोनों दो पर्वतों के बीच में एक रिफ्ट वैली होती है, जैसे नीलगिरी पर्वत है वो अर्ध ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सतपुड़ा भी है इसी तरीके से, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो जाते हैं फिर, क्योंकि ये बीच में रिफ्ट वैली आ गई, ये दोनों साइड आधा आधा, क्योंकि अगर ये इधर से भी धंसा हुआ होता तो पूर्ण ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ये भी पूर्ण ब्लॉक नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, आधा ब्लॉक पर्वत की तरह दिख रहा है, और दूसरी साइड इधर से आप देखोगे तो ये माउंटेन की तरह दिखेगा, इधर से आप देखोगे तो हो सकता है प्लेन था या फिर ये प्लेट्यू था, तो ये प्लेन या प्लेट्यू की तरह दिखेगा, क्योंकि एक रिफ्ट वैली है। अगर वो पहला वाला एग्जांपल मैंने बताया दोनों तरफ रिफ्ट वैली होती है, बीच का भाग उठा हुआ होता है, वो कंप्लीट ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक है। तो आपको ब्लॉक माउंटेन समझ में आया होगा।